हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवाशीष मिश्रा। सो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे मुझे, सर कब आपका वीडियो आएगा। फाइनली वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली आज संडे है, पूरा दिन मेरा कॉलेज में बिजी रहता हूँ और संडे ही एक दिन मुझे छुट्टी मिलता है। मेरा एक फैमिली है, तुम लोग को पता है, उसको टाइम देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लेट में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन बना रहा हूँ फाइनली। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी। सो मैं थोड़ा एनालाइज करके तुमको बता रहा हूँ, जो रजिस्ट्रेशन तुम लोगों का एक्सटेंड हुआ था उसके हिसाब से क्या हो सकता है तुम लोग का एक्सटेंडेड एग्जाम डेट, इसके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो सेकेंड सेम और फोर्थ सेम लोग हैं उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, तुम लोग का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कब खत्म हो रहा है, 18 को खत्म हो रहा है, 18/10/2022 को खत्म हो रहा है। मतलब 17 को खत्म हो रहा है, 18 को पेमेंट वगैरह वो खत्म हो रहा है। मतलब बीपीयूटी को पता चलेगा कितने लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं। तुम्हारा जो भी बीपीयूटी के अंडर में जो भी सब कॉलेज है, सब कॉलेज का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बीपीयूटी के पास इंफॉर्मेशन पास होगा कि इतने लोग एग्जाम अटेंड करेंगे। सो बीपीयूटी क्या करेगा, उसके हिसाब से कॉपी प्रिंटिंग होगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंटिंग होगा, एवरीथिंग जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेसिंग करेगा। सो वो प्रोसेसिंग के लिए मिनिमम तो 15 डेज लगेगा कि नहीं, मिनिमम तो 15 डेज, मिनिमम, इट मे बी एक्सटेंडेड बट मिनिमम 15 डेज। सपोज देर आर 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन बीपीयूटी, ओके, सो इफ 5,000 to 6,000 स्टूडेंट विल बी देयर, दे हैव टू प्रिंट 5,000 to 6,000 कॉपी according to your name, your passport size photograph, your registration number, your exam date, everything will be printed there. So it is a time taking process or not. So we cannot expect before 15 days. So if notice will come on 19 also, so from 19, if you will calculate from 19 plus 15, it will be 2/11, 2 November. It can be 2 November. So you can expect first week of November or 7 November 2022. What is my expectation? It may be 7 November. That is 7 November is Monday. So I think it may be जो पिछले कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि 30 को स्टार्ट हो सकता है, मुझे अब नहीं लग रहा है कि 30 से स्टार्ट हो पाएगा। अगर होता तो नोटिस अब तक आ जाता, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। सो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर और यू कैन एक्सपेक्ट 7/11/2022, 7 नवंबर को तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोग का एग्जाम। सो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे, सर कब आएगा वीडियो, फाइनली आ चुका है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू अपडेट्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं और एक वीडियो बना रहा हूँ सप्लीमेंटरी एग्जाम के लिए, मैं बोल दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे, मेरा हर एक वीडियो में एक दो स्टूडेंट मुझे पूछ रहे हैं सर कब होगा सप्लीमेंटरी एग्जाम, मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा आज। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।